गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछली वीडियो में आपको भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताया था कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मैं महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में मैं बताया हूँ, जिसमें चंपारण का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा चलाया गया था। अब देखिए, उसी राष्ट्रवाद में महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और यह 1932 में हुआ था। 1930 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका नाम था दमित वर्ग एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में दलितों के लिए एक संगठन बनाया गया था, और यह दलित वर्ग के लोगों के लिए अपना एक अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात करता था। महात्मा गांधी भारत में जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ और 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, तो अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ तीन गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया, जो ब्रिटेन में हुआ था। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत से बहुत से लोगों ने भाग लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से डॉक्टर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी गए थे, और इस निर्वाचन क्षेत्र को लेकर एक काफी विवाद हुआ। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान लिया, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी दलित वर्गों के एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण आमरण अनशन पर बैठ गए। और इस संबंध में महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय समाज में एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अंततः डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी के इस बात को स्वीकार कर लिया, और 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में। और इस पैक्ट पर परिणाम स्वरूप ये हुआ कि प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो विधान परिषदों के लिए जो अलग अलग आरक्षित सीटें उन लोगों को प्राप्त हो गई, यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से ही होता था, इसके उपरांत भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के प्रति सशंकित रहे। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में एक पैक्ट हुआ, और यह पैक्ट जो है दलित एसोसिएशन
या दलित वर्ग के उत्थान के लिए यह समझौता माना जाता है। अब है कि आपके देश की है, आपकी राष्ट्र की पहचान कैसे है या कैसे हुई। देखिए, हमें ज्ञात है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के लिए सबसे अधिक एक चित्र को दर्शाया जाता है और इस चित्र की प्रदर्शित छवि ही, छवि के माध्यम से ही राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र को सरलता से पहचान लेते हैं। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, वैसे वैसे ही भारत की पहचान भारत माता के छवि के रूप में होने लगा। हमारे देश में सर्वप्रथम भारत माता का चित्र, जो आप तस्वीरों में देखते हैं, बंकिम चंद चटर्जी ने 1870 के दशक में अपनी मातृभूमि के रूप में वंदे मातरम नामक गीत के द्वारा लिखा, और यह गीत उनके द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय 1920 में जब भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो मैं अभी बताया था कि 1870 ईस्वी में भारत माता की जो छवि आप देखते हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई एक चित्र है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही यह पेंटिंग बनाई गई थी कि हमारे देश की, भारत माता की क्या चित्र है, क्या छवि। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रवाद है, भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और कोई भी देश के नागरिक अपने देश को एक चित्रों के माध्यम से ही वह पहचानते हैं कि हमारा देश कैसा है। तो भारत की जो आप भारत माता की छवि की जो पेंटिंग देखते हैं, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग के द्वारा ही हमें प्रदर्शित या दिखाई देती है। मैं आज इतना ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का अवसर मिला है। धन्यवाद, फिर कल आपसे मुलाकात होगी।